हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम चेचक के बारे में बात करेंगे, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते ही देखते हैं। चेचक एक अत्यंत संक्रमण बीमारी है। यह एक घातक बीमारी है जो वेरियोला वायरस के कारण होती है। बीमारी को अब खत्म माना जाता है। चेचक जो होती है यह दो प्रकार की होती है। पहली तो स्मॉल पॉक्स, जिसे बड़ी माता या चेचक कहते हैं, यह वेरियोला जोस्टर नामक वायरस के द्वारा होती है। इसके अलावा जो दूसरी होती है उसे छोटी माता या चिकन पॉक्स कहते हैं। यह वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होती है। ये दोनों ही चेचक खतरनाक हैं। इसमें आमतौर पर ये लक्षण दिखाई देते हैं। 70 दिन की उष्मायन अवधि होती है, उल्टी होती है, मतली होती है, उच्च बुखार होती है, ठंड लगती है, कठोर सिर दर्द होता है, शरीर के अन्य भागों में दर्द होता है, बाहों में दर्द रहता है। यदि आँखों में छाले पड़ जाते हैं तो आँख का अंधापन तक व्यक्ति को हो जाता है। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं लक्षण, इनको अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का ही टीके की खोज की गई थी, जिसके एडवर्ड जेनर जनक कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे और देख लीजिए। इसके यदि हम कारण की बात करें कैसे होता है, तो ये मुख्य रूप से संक्रमण व्यक्ति के खांसने या छींकने के बाद हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक चला जाता है। यानी यह एक संक्रमण बीमारी है। यदि हम इसके बचाव की बात करें तो इसका कोई बचाव नहीं है, केवल टीकाकरण ही एक प्रभावी तरीका है। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।